हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में हम लोग सीरीज सम डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने साइंस सीरीज का सम डिस्कस किया था। आज की सीरीज में हम लोग कोसाइन सीरीज का सम डिस्कस करेंगे। तो कोसाइन सीरीज का सम डिस्कस करने के लिए सबसे पहले सीरीज देख लेते हैं कैसी है। तो सीरीज है 1 - x² upon 51 + x^4 upon 51 - x^6 upon 51 6 एंड सो ऑन सो फॉर्थ। पहला ऑब्जर्वेशन मेरा इस सीरीज में ये है कि इसमें जो टर्म्स हैं उसमें ऑल्टरनेट टर्म्स नेगेटिव हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो एक्स की पावर है वो 2 2 बढ़ रही है हर टर्म में। और तीसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें भी 2 2 टर्म्स बढ़ रहे हैं हर बार, और हम उसका फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं। जो एक्स का पावर है वही हमारा जो डिनोमिनेटर टर्म है उसका फैक्टोरियल हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे तीन चीजें हम फोकस करेंगे। पहली चीज ये है कि साइन कैसे अपडेट होगा, दूसरा हम ये फोकस करेंगे कि न्यूमरेटर कैसे अपडेट होगा, और तीसरा हम ये इंश्योर करेंगे कि या हम देखेंगे कि कैसे डिनोमिनेटर अपडेट होगा। तो सबसे पहले साइन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि पहले टर्म को हम फ्रीज कर लेते हैं। पहला टर्म अगर हमने फ्रीज कर लिया 1, तो हमें सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स फाइंड करना है। तो सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स फाइंड करना है तो हम मानेंगे कि जो पहला टर्म लूप के थ्रू हम फाइंड करेंगे वो नेगेटिव है। तो साइन को हम 1 से इनिशलाइज कर लेते हैं और हर बार साइन में -1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। न्यूमरेटर में एक्स का पावर हम फाइंड कर रहे हैं तो इसलिए न्यूमरेटर को 1 से इनिशलाइज कर देते हैं, और उसके बाद जब भी हम टर्म फाइंड करेंगे तो इसमें एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मेरे पास पहले से 1 है और इसमें हम एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² हो जाएगा, फिर एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टाइम ये x^4 हो जाएगा, फिर इसमें एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x^6 हो जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जो हम अचीव करना चाहते हैं न्यूमरेटर में हम अचीव कर लेंगे इस तरह से। सिमिलरली डिनोमिनेटर को हम 1 से इनिशलाइज कर देते हैं और उसके बाद डिनोमिनेटर में हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो जो पहला टर्म है उसमें हम फैक्टोरियल फाइंड करेंगे 2 का। तो जो भी डिनोमिनेटर की वैल्यू है अगर इसमें हम 1 * 2 मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 2 का फैक्टोरियल मिल जाएगा। फैक्टोरियल 2 अगर पहले से प्रेजेंट है और इसमें हम 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो फैक्टोरियल 4 मिल जाएगा। अगर हमारे पास फैक्टोरियल 4 पहले से अवेलेबल है और इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 और 6 तो इससे हमें फैक्टोरियल 6 मिल जाएगा। इस थॉट प्रोसेस को कंसिडर करते हुए मान लीजिए कि अगर हम आई की वैल्यू 1 से लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वो आई और i+1 का हो रहा है अगर हम पहला टर्म केवल देखें तो। लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअली, क्योंकि सेकेंड टर्म में ये फेल हो जाएगा जब आई की वैल्यू 2 है। जब आई की वैल्यू 2 है तो हम 2 * 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे बल्कि 3 * 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि पहला टर्म है 2 * i-1 और दूसरा टर्म है 2 * i। इस तरह से अगर आई की वैल्यू 1 है तो 2i-1 से हमें 1 मिलेगा और 2i से हमें 2 मिलेगा। सिमिलरली अगर आई की वैल्यू 2 है तो उस केस में 2 * i-1 से हमें 3 मिलेगा और 2 * i से हमें 4 मिलेगा। और अगर आई की वैल्यू 3 है तो उस केस में 2 * i-1 से हमें 5 मिलेगा और 2 * i से 6 मिलेगा। तो मेरे ख्याल से हमने सारे सोल्यूशन फाइंड कर लिए हैं और इसके अकॉर्डिंग हम अपडेट करते हैं अपनी सीरीज को। सीरीज को अपडेट हम कैसे कर रहे हैं कि एक लूप हमने चलाया और इस लूप को हमने n-1 तक टर्म्स तक चलाया, क्योंकि हमने ये फ्रीज कर लिया है कि जो पहला टर्म है वो 1 है। लेट्स से सम इज इक्वल्स टू 1 हमने इनिशियलाइज कर लिया। इसके बाद सबसे पहले साइन को अपडेट करते हैं। तो साइन विल बी इक्वल्स टू करंट साइन मल्टीप्लाइड विद -1। देन न्यूमरेटर हम कैसे फाइंड करेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू करंट न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड विद एक्स मल्टीप्लाइड विद एक्स। डिनोमिनेटर को हम कैसे अपडेट करेंगे, डिनोमिनेटर फैक्टोरियल वैल्यू है तो करंट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड विद 2i एंड देन मल्टीप्लाइड विद 2i-1 या 2i-1 * 2i, दोनों चीजें सेम है। इसके बाद हम सम को अपडेट कर रहे हैं कैसे, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस साइन मल्टीप्लाइड विद न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फाइनली हम सम को प्रिंट करते हैं। जिस तरह हम लोगों ने साइन सीरीज में एक कंसिडरेशन किया था कि जो हमें एंगल गिवन है
वो डिग्रीज में गिवन होगा और उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर हमें एक्स एंगल डिग्री में गिवन है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो हम क्या करेंगे, 22/7 से एंड देन इसको 180 से डिवाइड करेंगे, एक्स इंटू 22/7 डिवाइड बाई 180। इससे हमारा जो एंगल है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो एक्स वैल्यू है जो यहाँ पे सीरीज में गिवन है, दैट इज द एंगल इन द रेडियन। तो हमारा कोई भी कंप्यूटेशन एंगल इन द रेडियन के हिसाब से कंप्यूट होता है। तो आइए इसको कोड करके देखते हैं। तो ये हमारा साइन सीरीज का प्रोग्राम था, इसी को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और ये कोसाइन सीरीज का प्रोग्राम बन जाएगा। तो यहाँ हमें एंगल लेना है जो कि डिग्रीज में इनपुट कराना है, फिर इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है, नंबर ऑफ टर्म्स भी यूजर से पूछ लिए उसको इनपुट करा लिया है, फिर साइन को हमने फ्लोट माना है क्योंकि जो साइन की वैल्यू आएगी वो फ्लोटिंग पॉइंट में आएगी, फिर हमने एक न्यूमरेटर ले लिया है उसको इनिशियलाइज करना है 1 से। साइन सीरीज में मैक्स से मल्टीप्लाई कर रहे थे लेकिन यहाँ पे हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर को हम 1 से ही इनिशियलाइज करते हैं, साइन को 1 से इनिशियलाइज कर लेते हैं, फिर नंबर ऑफ टर्म्स साइन -1 फाइंड करते हैं। सबसे पहले साइन को अपडेट करते हैं, साइन इज इक्वल्स टू साइन मल्टीप्लाइड विद -1, न्यूमरेटर विल बी इक्वल्स टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड विद एक्स इंटू एक्स, हर बार एक्स स्क्वायर हमें मल्टीप्लाई करना है। फिर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला हमें चेंज करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में आएगा 2 × i - 1 मल्टीप्लाइड विद 2i। तो डिनोमिनेटर में भी हमने फैक्टोरियल फाइंड कर लिया है, फिर सम इज इक्वल्स टू सम प्लस साइन मल्टीप्लाइड विद न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये n-1 टाइम्स तक ये लूप चलेगा एंड फाइनली हमारे पास सम होगा जिसको हम प्रिंट करते हैं। यहाँ पे हमने एक छोटा सा करेक्शन और करना है, ये जो सम की वैल्यू है उसको एक्स से नहीं इनिशियलाइज करके बल्कि हम सम की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज करते हैं क्योंकि तो पहला टर्म हमारा 1 है। रन करके देखते हैं इसको और हम इसमें इनपुट करते हैं कोसाइन 60 डिग्री के लिए। तो कोसाइन 60 डिग्री की वैल्यू साइन 30 डिग्री मतलब कि 1/2 के आसपास आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 0.499 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.5। एक बार और रन करते हैं इसको और एक और टर्म फाइंड करते हैं और इस बार हम फाइंड कर रहे हैं साइन कोसाइन 0 डिग्री। तो कोसाइन 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कोसाइन 0 डिग्री की वैल्यू 1 आ रही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम इस सीरीज का कंप्यूटेशन कैसे कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।